शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली गणेश कॉलोनी के एक घर में छत के सहारे 7 से 8 चोर घुस आए और जब परिवार जागा तो बंदूक की नोक पर 7 से 8 चोर लगभग 15 लाख रुपए की लूट कर ले गए। जानकारी के अनुसार मेवाराम उर्फ संजय शर्मा, पिता आशाराम शर्मा, गणेश कॉलोनी अपने घर में अपनी पत्नी एवं एक बच्ची और एक बच्चे के साथ सो रहा था। तभी सुबह 4:30 बजे के दौरान छत के सहारे गेट तोड़कर 7 से 8 चोर घर में घुस आए। उसके बाद उन्होंने पीछे का गेट तोड़ा। इसके बाद परिवार जिस घर में सो रहा था उसका गेट तोड़ा। 3 गेट तोड़ने के बाद जब परिवार जिस रूम में सो रहा था उस गेट को तोड़ा तो परिवार की नींद खुली। जैसे ही उन्होंने चोर को देखा तो चोरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और बंदूक की नोक पर 14 से 15 लाख रुपए की लूट करके ले गए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। एक अंकल है, उन्होंने देखा था उनको निकलते हुए, तो ऐसे सुबह हो गई थी, 5 बजे का टाइम हो गया, तो गाड़ी वो निकाल नहीं पाए, नहीं तो गाड़ी भी ले जाते। अच्छा, कोई अंकल थे? हाँ, वो उन्होंने देखा था निकलते हुए, इधर ही रहते हैं, कोई अवस्थी है। अच्छा, उन्होंने निकलते हुए देखा। अच्छा, निकले यहीं से गेट से, है ना? निकले गेट से, चाबी उठा के गेट खोला उन्होंने। जब वो निकले थे आपको बंधक बना के निकले थे या फिर छोड़ के गए थे? बाहर से कुंती लगा गए थे हम अंदर से। हां, कुछ नहीं, मेरे हाथ लगा रहे थे, ये उतार रहे थे रिंग, तो ये मैंने उतार के ऐसे कर ली थी, एक उतार के दे दी, वही उतार के मैंने डाल दी थी, तो मेरे को हाथ लगाया तो मैंने कहा उतार क्यों, हाथ मत लगा, मैं दे रही हूँ उतार के, तो मैंने दे दिया था सारा उसको उतार के। तो हस्बैंड को गन पॉइंट पर लिया है? हाँ, मेरे को भी चप्पू लगाता, हाँ, एक हाथ से उतार के दिया। बच्चे बीच में सो रहे थे तो बच्चों से नहीं, बच्चे रो रहे थे तो बच्चों से बोला था मतलब मार देंगे अगर रोगे, तो फिर चुप हो गए थे लड़के भैया से बच्चे। मतलब गिनती में 8 से 10 लोग गिने होंगे? हाँ, अंदर तो 8 से 10 ही गए थे, अब जैसे और भी रूमों में गए, बाहर कितने उनका हमें पता नहीं है। अच्छा। पर जो अंदर थे 8 से 10 लोग थे, 10 से कम नहीं, 8 मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 8 से कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने हड़बड़ी में नहीं देखा। हाँ, संजय शर्मा, क्या हुआ है? रात को 4:30 बजे चोर आए 7-8, सामान वामान ले गए, सब लूट कर ले गए। वो तो सब कुछ ले गए। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की। लगभग कितने रुपए का सामान होगा? 13-14, 14-15 लाख का। घर पे कौन कौन था उसमें? मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे। कैसे पूरा घटना का बताओ? जीने के गेट को तोड़ के आए वो रात में, घर बाहर वाला गेट तोड़ा, उसके बाद मेरे रूम वाला गेट तोड़ा, 3 गेट तोड़ के आए थे, 7-8 आदमी थे। नहीं पता, मुझे नहीं पता, जब मेरा गेट टूटा जब पता पड़ा, उनको उनने बंधक बना लिया, हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, गोली मार देंगे हमें। हथियार वगैरह उनके पास है? हथियार वगैरह? हाँ, उनके पास रिवॉल्वर थी और लोहे के सरिया थे उनके पास। क्या क्या ले गए आपके यहाँ? सब कुछ ले गए, सोना चांदी मोबाइल जो होना था वो सब कुछ ले गए। आप सुबह बाहर कैसे निकले? गेट अंदर से, गेट बाहर से कुंडी लगा दी हमने, हम लोगों ने अंदर से गेट तोड़ा, तोड़ के बाहर निकले, जब पड़ोसी के फोन से कॉल किया। ये इवन 4:30-5:15 के आसपास का बता रहे हैं टाइम, कि उस टाइम पे उनके घर में जहाँ वे सो रहे थे पति पत्नी और बच्चे, तो उनके दरवाजे पे नॉक हुआ, जब ये पहुँचे तो दरवाज़ा उन्होंने धक्का देके खोला, तो उसमें कुछ लोग इनके घर पे अंदर आ गए और इन लोगों को बिस्तर पे ही बोला गया कि कट्टा दिखा के कि आपने जो भी सामान है पैसा है वो आप दे दीजिए, और चाबी लेने के बाद में वो वहाँ से करीबन 2-2.5 लाख रुपये कैश और बाकी जो इनके घर में जेवर थे वो ले गए हैं, करीबन 8-10 लाख की वारदात की उन्होंने। हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, वहाँ पर सारी टीमें हमारी लगा दी हैं, एफएसएल वगैरह से भी जाँच करवा रहे हैं हम लोग, और आसपास भी सब जगहों पर अपने हिसाब से जो भी लगता है उनके बताने के हिसाब से भी और मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से भी सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी पता लगाएंगे। वैसा ही बताया जा रहा है कि सर इन लोगों को बंधक भी बना लिया था? उनका जो मैंने बात की थी उनके पति पत्नी से, तो उन्होंने ये बताया था कि अंदर आ गए थे वो, और उनका संख्या में उनके अंदर 7-7 करीबन लोग होंगे, और उन्होंने उनको ये बोला कि आप सामान दीजिए, तो इन्होंने बच्ची लेडी जो है उसने अपने जेवर भी निकाल के दिए उनको, और बाद में जाते वक्त वो बाहर से कुंडी लगा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।